हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम लोग एमपी पटवारी के लिए कुछ क्वेश्चन के लिए एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों साइंस के क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, और जितने भी दोस्तों जो पेपर में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उन सारे टॉपिक से मैं क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, जो कि पार्ट वन होगा, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एमपी पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और जिससे कि मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाएँ कौन सी हैं। तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाएँ होती हैं मशीनी भाषा होती है, असेंबली भाषा होती है, और उच्च स्तरीय भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है कि ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग होता है। तो ईथरनेट में होता है टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी का प्रयोग होता है। अगला है मॉडेम का पूरा नाम क्या है। तो मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। अगला है विंडोज एक्सपी, और एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब है। तो विंडोज एक्सपी में एक्सपी का मतलब है एक्सपीरियंस। अगला, कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है। तो कंप्यूटर जो कार्य करता है मशीनी भाषा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर में कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग होता है। तो ALU, मतलब ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तो तब भाई वहाँ क्या कहलाएगा। तो मल्टी प्रोसेस कहलाएगा। अगला है टाइम डॉट टाइप डॉट DIR किसका इंटरनल कमांड है। तो ये DOS का कमांड है। अगला दोस्तों हमारा नवा क्वेश्चन है कि विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं ब्राउज़र, जिससे आप ब्राउजिंग करते हैं। अगला, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी। तो क्या नहीं होगी, ऑपरेटिंग प्रणाली। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। अगला, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई कहलाती है यूजर फ्रेंडली। अगला, विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं। तो क्या कहलाते हैं, सर्च इंजन। अगला, वर्ल्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है। तो फाइंड कमांड का उपयोग करना। अब फ्रेंड्स, हमारा 16वां क्वेश्चन है कि ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अगला, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। तो वो होता है पावर पॉइंट का। अगला, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है। तो स्पैम। अगला, सीडी रोम का पूर्ण नाम क्या है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, GB को संक्षिप्त रूप क्या है। तो गीगाबाइट। अगला, फंक्शन कुंजी कौन सी होती है। तो F1, F2, F3 और भी होती हैं दोस्तों आदि। अगला, चयनित टेक्स्ट को इटैलिक प्रारूप में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+I। अगला है क्वेश्चन, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी करेक्टर्स को क्या कहते हैं। तो करेक्टर सेट कहते हैं। अगला, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो एड्रेस बुक। अगला, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है। तो फोर लाइन के लिए। अगला, कंप्यूटर से जुड़े KB का क्या अर्थ होता है। तो किलोबाइट होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा 27वां क्वेश्चन है कि प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं। तो ALU होता है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगला, बाह्य सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं मदरबोर्ड। अगला, पास्कल क्या है। तो ये पास्कल होता है कंप्यूटर की एक भाषा है, पास्कल। अगला, कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो विज्ञान के क्षेत्र में। अगला, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला, मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है। जावा। अगला, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। अगला, EDP क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो 12। अगला, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहते हैं। तो बाइट कहते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा 38वां क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। अगला वेब क्रॉलर क्या है, तो वेब क्रॉलर है सर्च इंजन। अगला कंट्रोल प्लस एच क्या करता है, तो दस्तावेज में टेक्स्ट बदलने का शॉर्टकट है ये। अगला इन्फो स्पेस क्या है, तो इन्फो स्पेस ये सर्च इंजन है। अगला SDLC का क्या संक्षिप्त अर्थ है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगला फोटोशॉप क्या है, तो फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला बेडू क्या है, बेडू एक सर्च इंजन है। अगला एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है, तो मेन्यू बार होता है। अगला ALT प्लस कंट्रोल प्लस C का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो कॉपीराइट प्रतीक बनाने की शॉर्टकट कुंजी है। अगला है डक डक गो क्या है, तो ये एक सर्च इंजन है। अगला वेब स्पाइडर क्या है, तो ये सर्च इंजन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो कि MP पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे।